ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, तू वतन में बहुत सुंदर डेकोरेशन भी थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से एक बहुत सुंदर विमान की तरह स्टेज बनी हुई थी, जिसके ऊपर बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। और बाबा जैसे नजदीक आए, मैं पूछूं उससे पहले ही बाबा ने कहा, बच्ची मालूम है कि आज बाप कहाँ पर गए थे? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची आज बाप देश विदेश के सब बच्चों के पास चक्कर लगाने के लिए गए थे। तो मैंने कहा, बाबा आपका ये जो स्टेज पुष्पक विमान है, ये आज बहुत न्यारा और प्यारा दिखाई दे रहा है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मालूम है ये बच्चों के स्नेह का प्रतीक है। बच्चों का इतना प्यार है और हर बच्चे के स्नेह के अंदर कितने राज समाए हुए हैं, और उस स्नेह के राजों से ही ये भरपूर स्टेज जो कि विमान की तरह दिखाई दे रहा है। तो आज बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधे हुए होने के कारण हर एक बच्चे के पास जाकर के उसके स्नेह के स्वरूप को देखा, और जो बच्चों के मन की भावनाएं थी उसको भी बाप देख रहे थे, और उसके रिटर्न में बाप भी बच्चों को वैसा अनुभव करा रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत से बच्चे हैं और बाबा हर एक को दृष्टि भी दे रहा है। तो बाबा ने कहा, बाप को सदा यही रहता है कि मेरे सब बच्चे सदा आगे बढ़ते रहें, सदा उमंग उत्साह के द्वारा अनेकों को अनुभव कराते रहें। तो आज बाप भी बच्चों को एक बहुत सुंदर विमान, जिसके अंदर एक बहुत सुंदर स्टेज सजी हुई थी, तो बाबा ने कहा हर बच्चा इस विमान में बैठे और पूरे विश्व का भ्रमण करे, अपने ब्राह्मण परिवार को भी देखे, और विश्व की आत्माएं क्या कर रही हैं उसको भी देखे और उनको भी साकाश दे। तो हर एक के सामने एक बहुत सुंदर विमान, लेकिन विमान के अंदर जो स्टेज थी वो इतनी सुंदर बनी हुई थी। तो बाबा ने कहा हर एक उसके ऊपर बैठे, लेकिन बैठने से पहले हर एक को चेक करना है। तो जैसे जैसे जिसकी स्थिति थी, उस विमान के अंदर कोई न कोई प्रकार की कमी दिखाई देती थी। तो जैसे वो चेक करते थे, किसी के स्टेज में कोई होल दिखाई दे रहा है, किसी की स्टेज के अंदर ऐसे कुछ लाइन दिखाई दे रही थी, और कुछ की स्टेज के अंदर जो पुष्पक था उसके ऊपर अलग प्रकार से रंग दिखाई दे रहा था, और अलग अलग प्रकार से दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, चेक करके जो जो कमी इसमें दिखाई दे रही है इसको फिल करते जाएं। तो बच्चे क्या कर रहे थे, कईयों ने क्या किया, जहाँ होल थे उसके ऊपर अलग से डिजाइन के पेपर चिपका दिए, और जहाँ दरार थी वहाँ पर उसके ऊपर अलग प्रकार के ड्राइंग कर दिया, और कहीं पर कई बच्चों ने कोई प्रकार से अलग अलग प्रकार से वो कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनको उनको स्विच भी दिखाई नहीं दे रहा था,
और कुछ ऐसे थे बहुत अच्छे, जैसे होते हैं ना उस विमान के आगे बहुत सुंदर सुंदर लड़ियां लगा दी, तो उनको लगता था कि हमारा जो स्टेज और विमान है सबसे सुंदर दिखाई दे। तो बाबा मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा, देखा बच्ची क्या किया है, बच्चे क्या है, जहाँ उनको कंप्लेंट है, कंप्लेंट के आगे कई बच्चों ने क्या किया है उसको फिल करने के बजाय, कंप्लीट करने के बजाय उसके ऊपर अपने मान शान का स्टिकर लगा दिया है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, कई बच्चे ऐसे हैं जो उनकी आंतरिक अवस्था अभी भी डामाडोल होती है, जिसके कारण कभी मन में हलचल होता है, कई प्रकार के उनके अंदर दरारें आने लगती हैं और कई प्रकार के उतराव चढ़ाव आते हैं, डर भी रहता है, और उसके कारण से क्या करते हैं, बाहरी रूप ऐसा बना लेते हैं, उसके ऊपर ऐसी ड्राइंग्स बना देते हैं जो देखने में सुंदर होता है, लेकिन दरार के कारण सदा उनको भय रहता है कि समय आएगा, परिस्थितियां आएंगी, हमारी अवस्था कैसी होगी। उस भय के कारण अपनी अवस्था को ऊंच नहीं बना पाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा चल रहा है कि माया के भी भिन्न भिन्न रूप बच्चों के सामने आ रहे हैं। वो रूप है आकर्षण के। फिर दूसरा रूप बाबा ने कहा कि माया का रूप ऐसा है कि कुछ लोग उनको ऐसे आकर्षित करते हैं, ज्ञान के ऐसी बातें सुना करके जो रियलिटी है उससे दूर होते हैं। और तीसरा आकर्षण जो चल रहा है बच्चों के सामने, वो है माया ऐसा रूप दिखाई देती है कि बाप की श्रीमत को भूल करके माया की बातों में आकर उसे श्रीमत समझ करके अपने ही रास्ते से भटकने लगते हैं। तो माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो बाबा ने कहा, एक तो बच्चे मान शान के स्टिकर बहुत लगाते हैं, मैंने ये किया, मैंने सेवा की और मेरी सेवा से सब हुआ, और वो मान शान के स्टिकर होने के कारण अंदर से खाली हैं। और दूसरा बाबा ने कहा, माया के चक्कर की जो लड़ियां लगा देते हैं डेकोरेटेड, देखने में बाहरी रूप बहुत सुंदर है, लेकिन वो चक्कर क्या करता है, जैसे वो विमान उड़ता है ना, वो लड़ियां ऐसे घूम घूम करके, तो क्या हुआ कि जो भी रास्ते में कोई भी दृश्य होता, कभी पहाड़ी से टकरा रहे हैं, कभी वो पेड़ के बीच में वो लड़ियां फंस जाती थी, कभी वो लड़ियां उलझ रही हैं, कभी उड़ करके ऊपर की ओर जा रही थी। तो बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा बता रहा है कि माया के भिन्न भिन्न आकर्षण, और ये आकर्षण जो हैं सुंदर रीति से आते हैं, और ये आकर्षण बच्चों को कई ना कई प्रकार के भंवर के अंदर और कई बातों के चक्कर में घुमा देते हैं। इसलिए बच्चों को क्या करना है, अपनी स्वस्थिति के सीट पर सेट होकर के अपने अंदर क्या करना है, बाप ने जो बताया है उसकी स्वरूप में टिके। तो फिर तो मैंने कहा, बाबा बच्चे तो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी सीट पर सेट रहते हैं। तो बाबा ने कहा, उसके लिए बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है, एक तो साइलेंस पावर को बढ़ाएं, विस्तार में ज्यादा न जा कर के सार स्वरूप बने। तीसरा बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति को वॉइसलेस बनाते जाएं, जैसे आज भी दुनिया के अंदर वायरलेस में बहुत कुछ वो काम कर सकते हैं, जितना अपनी स्थिति को क्लीन करते जाएंगे तो उतना ही वॉइसलेस बनेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, अभी भी बच्चों के अंदर क्या है, कई तरह की उलझन की बातें हैं, संकल्पों का बहाव ज्यादा है,
और कई प्रकार के सोच के कारण जो क्लैरिटी होनी चाहिए तो वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। इसलिए सोच को बाबा के सामने अर्पण करके हल्के होकर के चले और बाप के सामने जैसे ही क्लियर कनेक्शन और वो स्नेही स्वरूप होगा तो स्नेही स्वरूप के कारण बच्चों को स्वतः ही हर प्रकार से बाबा से क्लियर डायरेक्शन और बाप से मदद मिलती रहेगी, तो माया के स्वरूपों से भी पहचान करके उससे बच जाएंगे। फिर तो क्या हुआ, बाबा ने फिर क्या किया, सबको दृष्टि दी तो जो सबके सामने पुष्पक विमान के अंदर जो स्टेज थी उस स्टेज के अंदर इतना लाइट थी, उस लाइट के अंदर हर एक फरिश्ता दिखाई देने लगा और वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रही थी। तो बाबा कहते थे बच्चों ने, बाबा ने कहा कि बच्चों को खुद के प्रति भी ट्रांसपेरेंट बनना है और संकल्पों में ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना खुद के प्रति ट्रांसपेरेंट बनेंगे उतना अपनी स्टेज को भी पावरफुल बनाएंगे और उड़ते रहेंगे, बाप के पास हर समय रह करके अनुभव करेंगे और विश्व की आत्माओं का नज़ारा देखते हुए उनको भी क्या देना है वो भी बच्चों के सामने क्लियर रहेगा। नहीं तो कहीं कुछ देते हैं, कहीं पर वरदान देने हैं तो शक्ति दे देते हैं, जहाँ शक्ति देनी है तो वहाँ उनको ज्ञान दे देते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक की नर्व्स को भी जान करके उसको वैसा ही अनुभव करा सकेंगे। फिर तो बाबा ने सबको याद दिया और बाबा बहुत स्नेह से सबको दृष्टि भी दे रहे थे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग के बाद जिनके निमित्त भोग थे उन सबको बाबा ने मर्श करके उनको दृष्टि और हर एक के प्रति बाबा ने जो सुनाया वह भी बाबा ने उनसे बात की और उनको भी भोग स्वीकार कराया और सबको याद दिया और मैं वापिस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को विशेष सद्गुरुवार की स्नेह भरी याद प्यार दिया। कई भाई बहनों का भी विशेष याद दी और फिर बाबा को कहा बाबा के घर में विशेष भूपाल जो उनके भाई बहने आए हैं, एमपी के भाई बहने आए हैं, तो बाबा कहने लगे बच्ची इस स्थान के इस स्टेट के बच्चों की क्या विशेषता है। तो मैंने कहा बाबा वह तो आप ही बतलाएंगे क्योंकि आप ही सब कुछ जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि यूपी और एमपी में विशेष लीलाएं करते हैं, कृष्ण लीलाएं भी करते हैं तो शंकर पार्वती की भी कहानी बैठ लीला के रूप में प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। बाबा ने कहा वह तो दुनिया का खेल एक ड्रामा के रूप में दुनिया के लोग दुनिया के आगे ही रखते हैं। पर बाबा ने कहा कि वास्तव में संगम के समय जो शिव बाप है और शिव के साथ ही
अनेक प्रकार के बच्चे हैं। दुनिया में तो दिखा दिया कि शंकर पार्वती की कहानी में दिखाते हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के आत्माएं, बच्चे, भक्त चले। पर बाबा ने कहा कि सच्ची बारात वास्तव में संगम के समय बाप के साथ ही वैरायटी बच्चों का, वैरायटी संस्कारों का बाप से मिलना होता है बच्चों का। तो बाबा ने कहा कि वहां तो सिर्फ ड्रामा के रूप में, खेल पाल के रूप में दिखाते हैं, पर शुभ बाप साजन किस प्रकार आत्माओं को, कैसी भी आत्मा होती है, कैसे भी बच्चे होते हैं, पर उन बच्चों को भी बाबा कितना ना प्यार से, कितना ना प्यार से सिंगार करके, सजा कर अपने साथ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि संगम के समय यही बाप देख रहे हैं, अंत का समय चल रहा है, फिर भी संस्कार के कारण बच्चे कभी आगे पीछे होते हैं। पर बाबा ने कहा कि शिव बाप की बारात में तो सभी बच्चे जाने हैं, शिव बाप किसी को भी छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जब ये बारात पूरी सज जाएगी, तैयारी पूरी हो जाएगी, बच्चे संपन्न बन जाएंगे, तो बाबा अपने बच्चों को सजा कर, संवार कर अपने साथ ही ले जाने वाला है। वहां तो सिर्फ ड्रामा के रूप में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के घर में बच्चे आते हैं, कुछ ना कुछ अपना संकल्प लेकर के आते हैं, उन्हीं यादों में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब बाप के घर में बच्चे आए हैं, तो बाबा ने कहा कि बाप तो सागर है ही, और सागर के पास आने से ही हर बच्चे अपने आप को भरपूर करने का लक्ष्य लेकर के जाए। थोड़ा भी खाली होगा तो बाबा ने कहा कि मन भटकता रहेगा, इसलिए भरपूर होकर, संपन्न होकर के जाना है। जिस प्रकार वहां नदियों पर जाते हैं, गंगा पर जाते हैं, लोटा भर के भी लेके आते हैं, थोड़ा बहुत भी लेके आते हैं, पर बाबा ने कहा आप बच्चे सागर के कंठे पर आए हैं, तो अपने को भरपूर संपन्न बना करके ही जाना है। ऐसा बाबा ने हम सभी को संदेश दिया। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी जिन भी आत्माओं के प्रति विशेष भोग था, उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज करते, स्नेह के साथ वतन में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि यह भी अंदर से आत्मा का संकल्प होता है किसी भी आत्मा के प्रति, तो बाबा भी उन बच्चों का संकल्प को वतन में इमर्ज कर उन बच्चों को, उन आत्माओं को भोग स्वीकार करा देते हैं। फिर बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराते और सभी विशेष भोपाल निवासी एमपी के भाई बहने जो भी आए हैं, बाबा ने उन्हें बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि याद प्यार लेने के ही, बाबा का, बाप दादा का याद प्यार लेने के लिए, बाबा से मिलने के लिए बच्चे भागे भागे, दौड़े दौड़े आए हैं, बाबा देखता है। तो बाबा ने ऐसे कहते सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।